तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए नवेले ब्लॉग में। और हमारे साथ अभी जो टाइम हो रहा है हमारे ब्लॉग स्टार्ट करने का रात के 9:38 एज यू कैन सी। तो अभी हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं, प्लान्स को एग्जीक्यूट करना। तो आगे आगे आप भी देखते रहेंगे कि मैं करने वाला क्या हूँ और क्या चल रहा है। बाकी इस रात में मैं यहाँ से निकलने का प्लान है, हमारे साथ जा रहे हैं ये भाई और कन्हैया राजे, कन्हैया यहीं पर है। तो हम जा रहे हैं गुड़गांव दिल्ली भाई, सब सारा काम है तो वहाँ से मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो इसलिए मैंने अब भाई घर से तो निकलना पड़ेगा ना, तो मैं काफ़ी दिनों बाद दिल्ली जा रहा हूँ। मैं करीब गया था, बेटे दीदी की शादी में गया था, मेरी सिस्टर कजिन सिस्टर है उसकी शादी में गया था। जब से अभी तक मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, कम से कम हो गए होंगे 8-10 महीने। निकलना तो बहुत दिन पहले से है क्योंकि एक मार्केटिंग एजेंसी ने काफ़ी दिनों से टारगेट मतलब फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ भाई, आ जाओ मिल के बात करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, मुझे जाना चाहिए और मुझे भी काम करना है और मुझे भी अच्छी अच्छी डील्स के साथ काम करना है, तो इसलिए मुझे भी वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने जो पैटर्न सेट है उन्हें तोड़ना चाहिए और उनसे निकल कर कुछ करना चाहिए। और उससे पहले मैं आपको बताई दे रहा हूँ कि मैं अभी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो है हमारा सॉन्ग जो हमने बनाया है, वो रिकॉर्ड तो हो चुका है, उसकी वीडियो हम हो सकता है वापस आते टाइम शूट करेंगे, तो वो भी ख़त्म करना है काम। तो चलो यहाँ से पैकिंग करके निकलते हैं, ये भी वेट कर रहा है बैठ के, लैपटॉप वगैरह वो सारा मैंने साइड में रख ही लिया, अब इसे रखते हैं फिलहाल और यहाँ से वही सारा कुछ बैग वैग रेडी है। ये इस वाले बैग में सामान अपना ये वाला है, ये कैमरा बैग है और एक बैग आगे कन्हैया लेके जा रहा है वो है वहाँ की। चलो निकलते हैं, ये देखो दो दो शेर बीच में खड़े हुए। भाई साहब गद्दे जाएंगे दूंगा सोत परे। दिल्ली या दूंगा कैसे ना बात कैसे ना काम है, अब निकलिए तो सवेरे जाए पहुँचिए फिर ना, दिन में बहुत ट्रैफिक हुई यार रोड, अब जाके मारे। तो भाई अब डीजल फुल हो चुका है, अब नहीं डलवाना, अब चलते हैं सीधा दिल्ली के लिए, निकलते हैं यहाँ से। हाफ से ऊपर निकल चुकी है, इट मींस अब हमें जल्दी से डीजल नहीं भरवाना पड़ेगा और इजीली हम दिल्ली टच कर जाएंगे। अब लगा रहे ला सीट बेल्ट है, अब ना रुके कहूँ। भाई अपन पहुंच चुके थे एटा और एटा से हमने ले लिया बाईपास जो सीधा अलीगढ़ के लिए जाता है, रोड पे चढ़ेंगे सीधा अलीगढ़ जाएगा। तो हम ऐसे तो पीछे से हम दोनों बहुत बातें करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे लेवल की हैं जो यूट्यूब पे मैं बोलूँगा तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं कैमरा पे कम ही बोलता हूँ और बोलना भी कम चाहिए क्योंकि भाई सब्सक्राइबर को तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं है, तुम लोग बस मुझे इसलिए देखते हो क्योंकि मेरा जो कंटेंट है उसे इन्जॉय करते हो। तो मैं भी उस चीज़ को भाई तक सीमित रखना चाहता हूँ, तो मैं भी थोड़ा कम ही मतलब यूट्यूब पर अपनी पर्सनल लाइफ को कम ही घुसाता हूँ, तो मतलब ये चीज़ समझ लो आप, नोटिस करा होगा आपने भी, मैं घर भर में ज़्यादा घर वालों को भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता हूँ अपने काम में। तो कहीं ना कहीं यही मेरा रहता है कि भाई जितना कम हो सके उतना ज़्यादा कम मैं इस यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ। बाकी अब अगर तुम्हें ये पसंद आ रही है तो देख रहे हो तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि अब मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू पुट कर रहा होगा या फिर मैं जो काम करता हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दिखाता होगा कि हाँ भाई आप भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो इस काम में, तभी तो आप देख रहे हो भाई, सीधी सी बात है। कोई अगर मेरी वीडियो को खोल के अगर यूट्यूब पे मेरी वीडियो को ही देख रहा है, इतनी सारी करोड़ों वीडियो पड़ी हुई है उनमें से सर्च करके अगर मेरी वीडियो को वो क्लिक करके देख रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ भाई आप लोगों का। पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो मैं काफ़ी ज़्यादा यार चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन टू यू कि मैं समझो मैं बर्ड टू बर्ड भी नहीं बोल सकता उस बात को, क्योंकि अगर मैं मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुझे इस बात को लेके कि कल के लिए यही सिंपैथी गेन करने के लिए बातें बोल रहा है इंटरनेट पे आके कि सब बोलते हैं, जैसे कि हर एक थोड़ा बहुत भी फेमस हो जाएगा इंसान वो आदमी सिंपैथी के नाम पे ऐसी ऐसी बातें बोलेगा आके, फिर सब्सक्राइबर देखने वाले को ये लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम फिर तुम कमेंट करके लिखोगे ना ब्रदर तुम चिंता मत करो आई एम विद यू।
भाई तुम मेरे साथ अगर लिख दोगे ना तो लिखने से कुछ होता नहीं है, लिखने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इन रियल जब सिचुएशन किसी पे गुजरती है ना तो सिर्फ वो ही समझता है। तो हम मानते हैं आप अगर लिख दोगे तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर तो खड़े हैं ना कम से कम। तो अरे यार ये जे लोग यार सोचते हैं एकदम स्विच का हुई हो जाए दिमाग में, का बात करने लगो। चलो ठीक है तुम इग्नोर करना अगर यहाँ तक सुना है तो कोई बात नहीं, बाकी आगे निकलते हैं। अब हम चढ़ गए ऊपर हाईवे पे, तो यहाँ से अब ये हाईवे सीधा दिल्ली के लिए ही है, मतलब अलीगढ़ से होते हुए सीधा दिल्ली है। तो भाई फिलहाल हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए, क्योंकि अभी पीछे टोल था तो टोल से कटवा के हमने, वो सो रहा था उसे नींद आ रही थी तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैं गाने को सुनते हुए आ रहा था, लेकिन यार जब कोई सो तो संगीत तो मज़ा ना आता के मारे। वो देखो हमने सोची चाय पी ली थोड़ी थोड़ी, तभी बात मज़ा आए, तो चाय पीने के लिए रुकी। भाई साहब का आवाज़ आ रही ट्रक में थे देखो, तो चलो चाय पीते हैं यहाँ पे, उसके बाद कैसी नैप लगी। तो दोस्तों इनने एक नैप ले चुके हैं, ये कैसा लगा सो के? सही लगो यार, नींद जल्दी। अरे यार लाइटें ऑन रही गाड़ी, और जाओ बम्पर और जब नंबर प्लेट जब दिल्ली पहुँची है तब लगवा देंगे इस पर। भाई चाय मंगाई है, भाई ने बोला बना रहे हैं चाय, तो बन जाने दो, आने दो। एक अलग मजा हो तो रात की रोड ट्रिप को बता तुम्हें, अगर तुम ना गए तो कभी रात में दो आदमी जाइयो खाली, एक है जैसे हुए लेकिन दोनों तो मजा आए, अगर तुमने बैठा ले बल्लू वल्लू तो ना मजा आए। तो भाई अपनी थार देखो कितनी सुंदर दिख रही है, तो ये कह रहे हैं कि माइकल जैक्सन की हड्डी हड्डी गल गई थी इसलिए मर गया। लेकिन भाई उसका ये एम था कि वो 120-130 साल आराम से जिए, उसे मतलब उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा, और बाने ताके मारे अपनों मोस्टली जितना कमाओ पैसा तो सब जाएगा माइकल जैक्सन ने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो, तो कि अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में अब मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कम से कम 100 से सर्जरी हुए हैं उसके शरीर अब तो जा मारे, उसे ऐसा लगा कि वो प्रकृति को बीट कर देगा, लेकिन प्रकृति को कोई भी बीट नहीं कर सकता, इस बाद को अभी समझ लो या माइकल जैक्सन इतना बाद में समझो मन में, लेकिन समझने तुम्हें परे जाओ, ये बात माननी ही पड़ेगी कि तुम्हें प्रकृति को कोई भी बीट नहीं कर सकता, बाकी हिसाब से चलन पर है तुम्हें। हाँ अगर तुम उसके साथ चलोगे कंधे से कंधा मिला के तब तुम्हें वो बहुत ऊपर तक लेके जाएगी, अगर तुमने उसे बीट करने की कोशिश की तो वो तुम्हें एक सेकंड एक का माइक्रो सेकंड में तुम्हें खत्म कर दी है। अमर बनने की कोशिश मत करियो, समझिए जैसे हम लोग हैं मजा ले करिए, परे सोइए यार सोइए यहीं पर सवेरे जगह तो चले यार चाय। तो भाई चाय वाय पी के हम लोग निकल लिए हैं, अब यहाँ से देखते हैं कहाँ पे स्टॉप बनता है, जहाँ भी हमें भूख लगेगी हम वहीं रुक जाएंगे खाना खाने के लिए, और उसके बाद तो फिर सीधा पहुँचना ही है। बाकी घर पे भी मैंने बोल दिया वेट कर रहे होंगे घर वाले, वेट क्या मतलब मैंने बोल दिया कि दरवाज़ा खोल देना हम लोग नीचे आ जाएंगे फ़ोन कर देंगे, तो चलो लेट्स गो। खैर टप्पल के साइड से होते हुए जा रहे थे और भूख लगी थी, तो मैंने पीछे जो यहाँ पे ये ढाबा दिख रहा है यहाँ पे मैंने खाना खाया अभी बैठ के, और हम लोग अभी यहाँ से अब सीधा कहीं भी रुकेंगे नहीं, अब सीधा रुकेंगे दिल्ली, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नहीं है 70-80 किलोमीटर नोएडा बचा हुआ है, तो नोएडा ही जाना है अपन को, तो यहाँ से अब रुकने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि बहुत रुकते हुए आ रहे कितने बजे मालूम 2:57, एक या सवा घंटा और लगेगा हम पहुँच जाएंगे, 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। चलो चलते हैं। हमने तुझको देखा चांद सितारों में, तो भास्कर भाई को फ़ोन किया जा रहा है और भास्कर भाई अनेबल टू पिक अप दिस कॉल। तो भाई साहब भाई ने तो फ़ोन नहीं उठाया लेकिन भाभी ने फ़ोन उठा लिया, अब वो वापस आ रही हैं गेट खोल लें, तो फिर बहुत दिन बाद है यार इतनी गंदी बास आती ना ये गले में, तो बहन जो वो बास हो मैं यार दिब्बाजित किया है मैं नोएडा